हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक मोड्स की, सामाजिक विकास के सिद्धांत की। तो अगर इससे संबंधित आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रश्न है, अभी तक कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं और बाइक मोड्स से संबंधित कोई भी प्रश्न आप छोड़ने वाले नहीं हो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीटेट के पेपर में बाइक मोड्स का एक प्रश्न जो है गारंटी से लिखित रूप से आना ही आना है, हर साल आता है, बिल्कुल आता है। तो एक नंबर जो है आपका, समझ लो, इस वीडियो को देखने के बाद कंफर्म है, पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, पूरा सिद्धांत को समझेंगे, उन्होंने कहा क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ टैग वर्ड्स की, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं आपके लिए टैग वर्ड्स। तो टैग वर्ड्स वो होते हैं आपके, जिसके द्वारा आप जो है प्रश्नों में से अपने ऑप्शंस को चुन सकते हैं, यानी ये ऐसे शब्द जिनको देखकर आप सही ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको करने वाले हैं। इससे पहले आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो चुका है और आपका जो है जो कॉलबर का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो आपका कल हो गया था। तो आज बात कर रहे हैं हम वाइगोत्स्की की। तो ये सारे सिद्धांत आपके आते रहेंगे, सारे साइकोलॉजी के लेक्चर्स आपके आते रहेंगे, शाम को 6 बजे यही टाइम फिक्स है आपका। तो डेली आपका जो है एक लेक्चर आ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो उनको तैयार करते रहे। और जिन लोगों ने नहीं देखी पिछली वीडियोस सिद्धांत, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से CDP फॉर सीटेट लेक्चर वीडियोस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। या फिर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, तो वहां पे हमारा वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा, तो उस तरह से वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए इन्होंने कहा क्या है, बहुत ही सिंपल है आपका जो आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, वो बहुत ही सिंपल है, इजी है और बहुत सिंपल बातें उन्होंने कही है। तो चलिए इसको देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। तो इन्होंने सबसे मेन मुद्दा जो रखा है वो समाज को इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और उन्होंने कहा है कि बालक का प्रत्येक विकास, कोई सा भी डेवलपमेंट हो, समाज की अनुपस्थिति में, यानी कि अगर अच्छा समाज उसको नहीं मिलता तो उसका कोई भी डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट अपने सिद्धांत के तरफ कहा है, बालक में हर प्रकार के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है आपकी किसको, समाज को। नेक्स्ट टाइम में बोल रहे हैं, समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही बालक में विभिन्न प्रकार का विकास होता है या विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, यानी कि जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं आपके, अगर भाषा विकास आपका हो रहा है तो वो भी समाज की अंतःक्रिया से होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास है वो भी समाज के साथ में अंतःक्रिया कर रहे हो तब हो रहा है, आपका संज्ञानात्मक विकास भी समाज की अंतःक्रिया के साथ में ही होगा, ये कहने का मतलब। उसके बाद जो है स्टेज पे आते हैं, यानी कि शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में किस किस प्रकार के जो है आपके विकास होते हैं, और उसके बारे में इन्होंने जो है कैटेगराइज थोड़ा सा किया है। तो इन्होंने शेष अवस्था के बारे में जो कहा है भाई, वो ये कहा है कि शिशु के सामाजिक विकास का दायरा जो है बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे कोई आशा नहीं की जा सकती। ये उन्होंने ये कहा कि जब बच्चा पैदा होता है और उस जो शेष अवस्था में होता है, तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, जैसे कि भूख, प्यास वगैरह, और जो भी उसकी प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं वो सारी चीजें उन्हीं पर वो डिपेंड होता है, और वही चीजें उन्हीं के बारे में वो सोचता है। तो इसलिए उसका दूसरों के हित में कुछ सोचना, दूसरों के लिए सामाजिक मुद्दे, तो ऐसा कुछ उसके अंदर नहीं होता, इसलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक विकास से शेष अवस्था में कोई उम्मीद या कोई आशा नहीं रखी जा सकती। उसके बाद बाल्यावस्था की अगर बात करें, तो उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में जो है बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं और उनका सामाजिक दायरा जो है वो बढ़ जाता है, उनके दोस्त बनते हैं, समाज में वो जाते हैं तो खेलते भी हैं एक दूसरे के साथ में, तो उनका जो है सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा, टीचर के साथ में इंटरेक्शन करेंगे, स्कूल में और बच्चे होंगे, तो वो जो है सामाजिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है बाल्यावस्था में, क्योंकि उनका दायरा बढ़ जाता है और उन्हें नई नई जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती है समाज में। आगे उन्होंने कहा, बाल्यावस्था के बाद जो आती है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में जो है लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है, यानी कि बच्चा, आप समझते हैं, हार्मोनल जो है चेंजिंग भी होंगे और फिजिकल भी होते हैं, तो किशोरावस्था में चेंजिंग शुरू हो जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में जो है लिंग संबंधी उत्तेजना या संबंधी चेतना तेज हो जाती है। किशोरावस्था में बालक जो है अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल मतलब एक एक पॉइंट जो है आपका बहुत ही रिलेटेड है, और इसको आपको बिल्कुल समझ के इसको याद रखना है कि जो लिंग संबंधी चेतना है वो तीव्र हो जाती है किशोरावस्था में, बालक जो है अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एज में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, तो भाई होते हैं आपके किशोरावस्था में। आगे आपका दिया है इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट इसी अवस्था के बारे में, यानी किशोरावस्था के बारे में, कि सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य आयु में देखने को मिलता है।
तो इस चीज से आप समझ रहे हो कि इस एज में आके जो है एक तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं बच्चे, और फिर वो ये जो सारे भावनाएं हैं, ये जो सारे इन्होंने गुण लिखे हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे शौक ज्यादा होता है। ये कह सकते हैं जो किशोर होते हैं वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ और मैं कर सकता हूँ कुछ समाज के लिए, दूसरों के लिए। इसलिए तो वहां पे जो है सहानुभूति एक दूसरे से अपने फ्रेंड सर्कल में सहयोग की भावना बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि दोस्त होते हैं जैसे, तो दोस्त के लिए कुछ भी काम कर जाएंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दोस्त जो है समस्या में है तो उसका साथ देंगे, चाहे वो काम गलत था या सही था, वो उसका सहयोग गारंटी से देंगे। चाहे स्कूल से भागना ही है ना तो स्कूल से साथ में लेके भागेंगे, अगर टीचर से लड़ाई होगी तो दोनों लड़ाई कर लेंगे अपने दोस्त के लिए सब। तो ये होता है मतलब कि जो है सहयोग जो है ज्यादा रहता है, वो अलग टाइप में आएगा कि सामाजिक विकास जो है, जो नैतिक विकास है वो अलग स्टेज में आएगा कि जो उससे वो उस चीज को समझ पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि सहयोग रहता है, सद्भावना, परोपकार, त्याग, यानी कि दूसरे के लिए कुछ करने का, अपने देश के लिए। अब यहाँ पे जो है संस्कृति और सिर्फ अपने घर परिवार तक बात नहीं रह जाती, बल्कि इस एज में आके बच्चा जो है अपने देश के, राष्ट्र के बारे में सोचने लगता है, नई नई चीजें सोचता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपने देश के लिए, ये वो इस तरह की। तो ये सब चीजें जो है इसी एज में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा समस्यात्मक जो डेवलपमेंट होता है वो किशोरावस्था में होता है। जितने भी अद्भुत कहानियां होंगी, अलग सी चीजें होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, आपका इसी में होती है। इसीलिए कहते हैं सबसे ज्यादा संवेदनशील विकास जो होता है वो किशोरावस्था का होता है। तो ये तो इन्होंने स्टेज दिए। उसके बाद निहित अर्थ का मतलब ये है कि इसका पूरे सिद्धांत का निहित अर्थ क्या है, क्या उसका उद्देश्य क्या था देने का। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ ये था कि सहयोगात्मक समस्या, यानी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोगात्मक समस्या समाधान का मतलब आप समझ रहे हैं, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं को हल कर लेते हैं जिन्हें उन्होंने कक्षा में पहले देखा है, अपनी कक्षा में उन्होंने पहले उसको देखा है। तो अपने ही सहयोग से मतलब आपस में मिलजुल के एक दूसरे की मदद करके सहयोग से वो समस्याओं को हल करने लगते हैं। लेकिन वहां पर टीचर का काम जो होता है सिर्फ निर्देशक का होता है, और सहयोग देने का मतलब उनको मार्गदर्शक करने का, मार्गदर्शक का जो है एक रोल होता है टीचर का। और यहाँ पे उनको सोचने की, क्रिया करने की सारी चीज की अनुमति मतलब स्वतंत्रता दी जाती है, कोई भी जबरदस्ती वाला अनुशासन उनके ऊपर थोपा नहीं जाता। तो ये कहने का मतलब था। तो ये तो पूरा पूरा उनका सामाजिक विकास का सिद्धांत है, और इसमें जो मेन पॉइंट हमें देखने को मिला है सबसे ज्यादा, ये तो खैर जो बीच बीच में चीजें आई हैं वो आपको याद रखनी है, जैसे कि किशोर अवस्था में सक्रिय सदस्य होते हैं, और आपके जो है बाल्य अवस्था को गैंग एज कहा जाता है, समूह जिसको गैंग एज कहते हैं इंग्लिश में, और उसमें हिंदी में कहते हैं गिरोह आयु, तो गिरोह की आयु कहा जाता है इसको। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। लेकिन इसमें जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है वो ये दिख रही है कि इन्होंने जो जोर दिया है वो सामाजिक अंतःक्रिया पे दिया है। अब भाई कुछ टैगवर्ड्स मैंने आपको यहाँ लिखे हैं जिसके द्वारा आपको छांटना है कि प्रश्नों में अगर ये शब्द आते हैं यहाँ पे, तो अगर ये वर्ड्स आपको जो है प्रश्नों के अंदर देखने को मिलते हैं तो वो ऑप्शन आप सही चुन सकते हो। तो देखिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज लिखा है मैंने पारस्परिक क्रिया, जहां भी वाइगोत्स्की का अनुसार दे रखा हो ऑप्शन कोई भी प्रश्न, बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें नहीं ना दे रखा हो, कहीं ऊपर नहीं लिखा हो, उसके हिसाब से आप पॉजिटिव आंसर लगा के आ जाओ उसको, बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नेगेटिव तो नहीं है प्रश्न। लेकिन अगर पॉजिटिव है तब ये चीजें आपकी जो है सही होंगी। तो पारस्परिक क्रिया अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में किसी ऑप्शन में मिलता है वो ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है समाज में अंतःक्रिया, पारस्परिक क्रिया को महत्व माना है। और उसके बाद है सामाजिक अंतःक्रिया, जहां पे ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा ये समाज के साथ अंतःक्रिया, तो ये वर्ड हमेशा जहां भी इस ऑप्शन में होगा वो सही होगा आपका। इसी प्रकार से सहयोगात्मक अधिगम, तो सहयोगात्मक अधिगम का मतलब यही है कि एक दूसरे के साथ मिलके और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा एक दूसरे से अंतःक्रिया करके इंटरेक्शन के द्वारा बच्चे सीखते हैं। पारस्परिक शिक्षण, ये वर्ड आपको मिलेगा। उसी प्रकार से समाज, सामाजिक, जहां पे भी ये वर्ड्स मिलते हैं, अगर ये समाज, सामाजिक, सहयोगात्मक अधिगम और ये अगर प्रश्न में दिए हैं, अभी तो मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं, अगर ये प्रश्न में दिए हैं और ऑप्शन में आपको पूछा है कि ये वाला जो सेंटेंस है किसके अनुसार है, और ऑप्शन में दिया है आपको वाइगोत्स्की, पियाजेट और कोलबर्ग वगैरह, तो उसमें हमेशा आपके 89% या 90% आपके चांसेस है कि आपका वाइगोत्स्की ही वही सही जाएगा। डिपेंड ये करता है कि उसमें कोई नई चीज तो ऐड नहीं कर रखी उन्होंने, वो प्रश्न पढ़ोगे आप तब उसको आप समझ पाओगे। उसी प्रकार से आगे जैसे दिया है आपका विकास का मूल आधार कौन सी चीज होती है, वाइगोत्स्की के अनुसार मानेंगे हम इसको। अगर प्रश्न में आपके दिया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का मूल आधार क्या है, और ऑप्शन में अगर अंतःक्रिया दे रखा है, सामाजिक अंतःक्रिया दे रखा है, पारस्परिक क्रिया दे रखा है, तो हमेशा उस ऑप्शन को आप सही लगा दोगे।
इसी प्रकार से वाइगोत्स्की के अनुसार विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस चीज का होता है, समाज का होता है, तो ये भी चीज आप याद रखेंगे लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार। इसी प्रकार से भाषा के बारे में अगर पूछ लिया उसने कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास सबसे ज्यादा किस चीज से होता है, और ऑप्शन में दे रखा है उसने परस्पर बातचीत, एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया, इस तरह के ऑप्शन अगर उसने दे रखे ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए आपके टैग वर्ड्स जो कि आपको मदद करेंगे आपके ऑप्शंस को छांटने में। तो आई थिंक इससे ज्यादा मुश्किल प्रश्न इसमें आज तक नहीं बना, सिंपल प्रश्न बनता है। और अगर ये टैग वर्ड्स और ये चीजें आप याद रख लेते हैं तो मोस्टली आपका कोई प्रश्न बच के जाने वाला नहीं है। तो अभी तक हमने तीनों सिद्धांत कर चुके हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और आपका कोहलबर्ग। तो ये तीनों में से आपके 4 से 5 प्रश्न गारंटी से पक्के आने हैं, और ये अगर आप पूरी 3 वीडियोस कंफर्म्ड देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर समझ लो पक्के हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर इतना करो ज्यादा से ज्यादा करो ताकि एग्जाम से पहले पहले सारे जितने भी कैंडिडेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले भाई सबके पास में वीडियो पहुंच जानी चाहिए। तुम समझ रहे हो ये सारा निचोड़ में लेके आता हूं आपके लिए, जिस तरह से आपको हाउ टू सॉल्व पैडागोजी वाली वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उसमें एक एक वीडियो में आपका पूरी पूरी पैडागोजी का निचोड़ है। तो अगर आप उसको शेयर नहीं करते तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी रहेगी, ये आपका सहयोग नहीं होगा। आप भी थोड़ा सा सामाजिकता दिखाओ, सामाजिक विकास दिखाओ, दूसरों के लिए कुछ करो, यानी कि अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जो भी है सबको शेयर करो, दबा के शेयर करो ताकि सभी लोगों तक ये चीजें पहुंच जाए और सभी लोग फायदा उठा सके। हमारी जो ये आप खुद देखते होंगे जो भी हम चीजें मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारा आपके लिए कितना उपयोगी है। तो अगर ज्यादा लोगों को पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को फायदा होगा तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा। और जो आपकी सीटेट गाइड वाली प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करते रहो, और बिल्कुल जो है सारी जो जिन लोगों ने अभी तक लाइव क्लासेस का वीडियोस नहीं देखे हैं, जो अभी नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, तो वो हमारी जो है ईवीएस पैडागोजी फॉर सीटेट, हिंदी पैडागोजी सॉफ्ट फॉर सीटेट, मैथ पैडागोजी फॉर सीटेट, इस तरह की प्लेलिस्ट में लाइव क्लासेस हैं जो लाइव क्लासेस हमारी चल रही थी अभी तक की, तो वो आप सारी देखें, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप जो है क्रैक कर पाएंगे और प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आपकी ये सारी प्लेलिस्ट आप फॉलो करते रहे और देखते रहे और बेहतरीन तैयारी करते रहे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से वीडियोज आती रहेंगी आपकी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।